जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को चाह रहा हूँ, जो दिल्ली में जब मैं हूँ तो आप लोगों को मैं आज दिखाऊँ दिल्ली का जो चिड़ियाघर है, दिल्ली जू जिसे बोलते हैं, आपको वो दिखाएं। तो वहाँ जाना कितना आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है जो हमें कैसे वहाँ पहुँचना है, और बहुत सारे लोग को दिक्कत हो जाती है। तो अभी के टाइम में जो मेट्रो है तो मेट्रो से हम बड़े आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पे हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा पहले सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, या प्रगति मैदान पहले वो मेट्रो स्टेशन थी, पहले वहाँ पहुँचते हैं, मेट्रो आ गई है, फिर आपको वहाँ से कैसे जाना है वो आपको हम दिखाएंगे। चलिए आज आपको हम सैर करवाते हैं दिल्ली जू यानी कि दिल्ली का चिड़ियाघर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, जब हम आएंगे दिल्ली चिड़ियाघर की तरफ घूमने के लिए जाएंगे, तो हमें आप कहीं भी दिल्ली में किसी भी एरिया में आप रहते हो, आपके लिए अगर मेट्रो से आते हैं तो सबसे आसान होगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे आना। आप यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ से कैसे बाहर जाएंगे चलिए आपको वो दिखाते हैं। तो मैं अभी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो बाहर जाते मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इस हिसाब से आप प्लेटफॉर्म से उतरेंगे और यहाँ से कौन सी गेट से बाहर निकलना है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ एग्जिट करने का एक ही रास्ता है जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ से बाहर निकलेंगे। और इधर से भी लोग आते हैं, जो द्वारका तरफ से आते तो इधर उतरते हैं, जो नोएडा तरफ से आते हैं उधर तोड़ते हैं। तो मैं नोएडा से आया था और हम यहाँ से बाहर निकले, एग्जिट करने का रास्ता है, यहाँ पर निकास लिखा भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गेट नंबर 2 से आप बाहर निकलेंगे। अभी तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर अंदर आने के लिए रास्ता अलग कर दिया गया है, बाहर निकलने का अलग कर दिया गया है। और यहाँ से आप गेट नंबर 2 से बाहर निकलेंगे और गेट नंबर 2 पर देखिए साफ लिखा हुआ है जो मथुरा रोड की तरफ जो जाती है रोड, उस रोड पे आपको हमें जाना है। तो गेट नंबर 2 से देखिए हम बाहर निकल रहे हैं और ये आपको बाहर इस तरह से आपको दिखाई देगा, देखते हैं आपको बाहर इस तरह से दिखाई देगा। और फिलहाल वो वाली जो है वो शायद बंद है, तो वो भी एंट्री कर रही थी, लेकिन देखिए इस तरह से हम बाहर निकलेंगे और हम किसी से यहाँ पूछेंगे तो भाई रोड कहाँ पे है कोई बता देगा, तो हम यहाँ से बाहर पर ले जाएंगे। चलिए आपको हम ले चलते हैं बाहर तक, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वीडियो हम भी आपको चिड़ियाघर की दिखानी है, तो ये सब चीज़ मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। लेकिन बाहर में सुप्रीम कोर्ट का बस स्टैंड है, हम वहाँ जाएंगे। यहाँ से आपको 2-3 चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पर प्राइवेट ऑटो आप करना चाहते हैं तो ऑटो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन 2-3 किलो या 4 किलोमीटर के अंदर ही आता है, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा बस से। अगर आप फैमिली एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ऑटो कर लें, ज़्यादा नहीं लेगा, 30-40 पैसे में लेना चाहिए। और अगर आप अकेले हैं या कपल हैं बिना फैमिली के साथ हैं, वैसे भी मतलब आप जा सकते हैं बस वगैरह से, यहाँ से बस कर लें, बस ले लें और 10 मिनट में आप पहुँच जाएगा जू, मतलब स्टेशन का नाम है जू यानी कि चिड़ियाघर, वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए हम पहले निकलते हैं बाहर। तो देखिए ये है मेन रोड है, इस रोड से हम बाहर निकल के हम बाएँ की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर? बाएँ की तरफ, दाएँ की तरफ जाएंगे, बाएँ की तरफ जाएंगे, दाएँ की तरफ ITO हो जाएगा अगर हम जाते हैं तो हम जाएंगे बाएँ की तरफ। बाएँ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक बस स्टैंड है, मैं आपको बस स्टैंड दिखा देता हूँ। आपको होना है बायां, लेफ्ट हो गए और लेफ्ट में ही लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बस स्टैंड। तो दोस्तों मैंने आपको उस टाइम वीडियो रोकना पड़ा मुझे, क्योंकि तुरंत बस आ गई थी। तो आपको बता दूँ जहाँ मैं बाहर आपको दिखाया था वहाँ से आपको 405 नंबर की भतरे बस मिल जाएगी आपको चिड़ियाघर के लिए, जो बदरपुर बस जाती है, आपको 405 नंबर की बस, 405 है, या वहाँ किसी को पूछेंगे तो बता भी देगा। देखिए इस स्टैंड पे जू लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जू, है ना। तो हम यहाँ पे उतरेंगे और अभी मैं जो इधर से मैं आ रहा था और मैं अभी जाऊँगा इस साइड की ओर, तो यहाँ से थोड़ा सा एक रेड लाइट है, लगभग 2-3 मिनट पैदल चलेंगे। देखिए रेड लाइट आपको दिखाई भी देगा शायद, तो वहाँ हम जाएंगे और वहाँ से फिर हम आपको आगे की जानकारी, हमें वहाँ से लेफ्ट होना है, तो हम जाएंगे अभी पहले रेड लाइट के पास और वहाँ से जाएंगे लेफ्ट। अभी देखिए 12 बज रहे हैं, मैं 5 मिनट में यहाँ पहुँच गया हूँ, मतलब जहाँ मैं प्रगति मैदान उतरा था वहाँ से मुझे यहाँ आने लगा 5 मिनट, और मैं अभी जाऊँगा यहाँ से 5 मिनट मुझे लगा आने में, समझ लीजिए कितना नज़दीक है। बस से मैं आया, आप लोग बस से आ सकते हैं और ऑटो वगैरह लेते हैं तो 30 रुपये से ज़्यादा मत दीजिएगा ऑटो वाले को अगर आप आते हैं तो। अकेले आएंगे 10 रुपया, अगर रिजर्व करते हैं तो 40 रुपया भी बहुत हो गया ऑटो वालों को देना, उससे ज़्यादा कहीं मत दीजिएगा। और इस रेड लाइट से हम ना बायां हो जाएंगे। चलिए हम पहले लेफ्ट होते हैं और फिर आगे आपसे बात करते हैं। रेड लाइट जैसे हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, इस बोर्ड के पास पढ़ेंगे और हम इस तरफ आ जाएंगे बाएं की तरफ, और बायां यहीं पे नेशनल जूलॉजिकल पार्क है यानी कि जू है
चिड़ियाघर से बोल सकते हैं, वो चिड़ियाघर है और वहाँ पहुँच गए। हो सकता है था मोबाइल में कुछ धुंधला दिख रहा हो क्योंकि मेरा अभी कैमरा थोड़ा सा खराब हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को जरूर देखें। हाँ, फ्रंट में करूँगा तो फ्रंट से मैं आपको बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। फ्रंट मेरा कैमरा अभी साफ है, बैक कैमरा मेरा से खराब है। सीधे देख रहे हैं, सीधे रास्ता जू की तरफ गया हुआ है, हम जू की तरफ एंट्री करेंगे। ये जू का ही एरिया है, यहाँ पहले टिकट मिलता था। टिकट का क्या समाधान है, अभी बंद है, रास्ता तो बिल्कुल बंद है। तो शायद अभी जू अभी एंट्री कोविड 19 फ्री है क्या है, वो हम जरूर देखेंगे। चलिए हम पहले इस गार्ड साहब से हम बात कर लेते हैं। तो भाई साहब ने मुझे बताया है जो अभी जो है चिड़ियाघर जाने का जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया है, लोग घूमने के किला जाते हैं। तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं भी थोड़ा सा घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं सामने से आपको बात करता हूँ। इसमें आते हैं परीक्षा क्षेत्र में हेतु प्रवेश टिकट 20 रुपये यहाँ का शुल्क है। चलिए पहले हम यहाँ एंट्री करते हैं। टिकट विल जनरेट ओनली थ्रू पेटीएम, म्यूजियम इवेंट्स क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार को बंद रहता है और एंट्री करने के गेट है। चलिए पहले एंट्री करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों इसमें एंट्री मैं नहीं कर पाया, कारण कि इसके अंदर अभी जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं चल रहा है, आप नगद के साथ काम नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर पेटीएम यूज करते हैं आप तो पेटीएम आप स्कैन करके आप पेमेंट 20 रुपये का जो चार्ज है वो दे के आप जा सकते हैं। तो वही चीज मैंने देखा यहाँ पर, आप अभी अगर घूमने के लिए आना चाहते हैं तो जू नहीं है। जू आने के लिए अभी जब तक कोविड 19 सही तरीके से खत्म नहीं होता है तब तक आपका जू घूमना अलाउ नहीं है, यानी कि चिड़ियाघर आप नहीं घूम सकते हैं। और अगर चिड़ियाघर बगल में एक जो है जो परीखा जो लिखा हुआ है, परीखा किला जो लिखा हुआ है, उसमें घूमने के लिए आपके पास पेटीएम होना अति आवश्यक है। पेटीएम होगा तो आप 20 रुपये का एक आदमी का चार्ज है, 10 रुपये से कम एज के बच्चे के लिए चार्ज नहीं है, उससे ऊपर के लिए यहाँ पे 20 रुपये का चार्ज है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों घूम नहीं पाया और ये चिड़ियाघर जो आने का रास्ता था मैंने आपको वो सब कुछ दिखा दिया। आप कहीं भी किसी भी तरह से चिड़ियाघर आ सकते हैं। आपको शॉर्ट में फिर से को बता दूं, लास्ट में बता दूं, चिड़ियाघर आप आने के लिए आप दिल्ली मेट्रो से अगर आप आते हैं तो दिल्ली मेट्रो से पहले आप आएंगे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से उतरकर गेट नंबर 2 से आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के आप मेन रोड पे आएंगे जो मथुरा रोड कहलाती है, उस रोड पे आप आएंगे। वहां पे बगल में ही सुप्रीम कोर्ट का बस स्टैंड है जो बाएं की तरफ है, वहां पे आप जाएंगे। वहां पे रेड लाइन, ब्लू लाइन और ऑरेंज कलर की बस आती है, ज्यादातर ऑरेंज कलर की बस यहाँ पे उस रूट में बहुत जल्द चलती है। आप उसको या किसी बस को पकड़ें, उस बस में आप 5 रुपये का टिकट है, एक आदमी का 5 रुपये लगेगा, इतना नजदीक आप समझ सकते हैं। वहां से आप उतरेंगे जू स्टैंड, जू स्टैंड से पैदल थोड़ा सा आगे आएंगे और वहां से लेफ्ट होते हुए आप आ जाएंगे चिड़ियाघर के पास। तो ये कुछ मैंने आपको जानकारी दे दिया, बाकी जानकारी इतना ही मेरे पास था। अधिक जानकारी के लिए आप ऐसे बने रहे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई जगह के साथ। और हाँ, जो मैंने अगला पिछला वीडियो बनाया था हम उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे और उस काम को करना स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और हाँ दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें और इसी तरह कुछ ना कुछ नया नया अनुभव लेते रहें और कुछ लोगों के लिए भी कुछ हम लोग करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो उसमें मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।